और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं। सैयद अखुंदजादा हैं, नेता पाकिस्तान के हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इसके अलावा अर्जू काजमी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है, आपसे कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगी। इरशाद अहमद खान नेता पीएमएलए है, नवाज शरीफ की पार्टी से आपसे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अजीम भट्ट पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, अली ताहिर राजनीतिक विश्लेषक है। सबसे पहले अजीम भट्ट मैं आपका रुख कर लेती हूँ, इस वक्त पाकिस्तान में क्या हालात है? चूंकि इमरान खान की सर्जरी चल रही है, उनकी क्या स्थिति इस वक्त बनी हुई है? जी बिल्कुल, इस वक्त इमरान खान जो है उनको शौकत आलम हॉस्पिटल जो है वो पहुंचा दिया गया है। और जो अभी शुरू में कहा जा रहा था कि उनको गोलियां लगी हैं, वो तमाम बातें जो है वो गलत साबित हो गई हैं। इमरान खान को कोई गोली नहीं लगी है, इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है। अलबत्ता उनके पाँव के अंदर जो है वो टांग के ऊपर जो है वो चोट लगी है, जिसकी बुनियादी वजह ये है कि जब गोलियां चलाई गई तो बगदर मच गई कंटेनर पर और उनके पाँव में जो है वो चोट आई है, तो लिहाजा उनको वो चोटें लगी हैं। और अभी इमरान खान का एक बयान जो है वो सामने आ रहा है कि वो कल 11 बजे दोबारा जो है वो अपना जो है वो लॉन्ग मार्च भी शुरू कर देंगे, तो वो तंदुरुस्त है और वो ठीक है। फैसल जावेद साहब को इमरान खान से ज्यादा जो है वो चोट लगी है, लेकिन गोली उनको भी नहीं लगी है, लेकिन वो जख्मी है और वो भी अभी तंदुरुस्त है। लेकिन बजाय जो है वो इमरान खान और फैसल जावेद या तरीके इंसाफ के कोई भी सीनियर रहनुमा जो है वो बीमार नहीं है, मतलब उनको जो है वो जख्मी नहीं है, सीरियस हालत में नहीं है और वो तंदुरुस्त हैं। आज का जो रात का क्याम है वो जो है वो बताया यही जा रहा है कि इमरान खान शौकत आलम में ही ठीक है। सर, हमारे साथ आरजू काजमी भी जुड़ गई हैं, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट हैं। आरजू, जरा आपसे समझना चाहेंगे, इफ्तिकार चौधरी साहब कुछ देर पहले हमसे बात कर रहे थे तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि कई बार उन्होंने इमरान खान साहब को समझाया लेकिन इमरान खान साहब नहीं समझ रहे थे इस बात को और उनकी जिद थी कि ये लॉन्ग मार्च तो निकलेगा ही। तो क्या वजह हो सकती है आपको लगता है, कौन इसके पीछे हो सकता है? क्या डर था इफ्तिकार चौधरी साहब से, जो कि वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब को भी मालूम है लेकिन उनकी जिद थी कि ये लॉन्ग मार्च निकलेगा और निकलेगा? आरजू आपने शायद म्यूट किया है अपने आपको, जरा उसको अनम्यूट कीजिए। अभी ठीक है? जी बिल्कुल ठीक है, अब बोलिए आप। देखें, अभी इन्वेस्टिगेशन होगी तभी मालूम होगा, वो भी अगर इन्वेस्टिगेशन हुई और मालूम हुआ, वरना पाकिस्तान में आज तक चाहे लियाकत अली खान से लेके बेनजीर भुट्टो तक कभी नहीं पता लगा किसी का। तो इसका भी मुझे कोई खास उम्मीद नहीं है कि मालूम हो कि किसने किया। लेकिन इमरान खान साहब के ना सिर्फ ये कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कुछ ना कुछ नाराजगी चल रही थी, गवर्नमेंट के साथ भी, लेकिन साथ साथ कई जो रिलीजियस पार्टीज हैं वो भी इमरान खान से नाराज थी उनके कई स्टेटमेंट्स को लेकर। तो ये किसी तरफ से भी अटैक हो सकता है, मगर इतने नजदीक पहुंच जाना कि कंटेनर के पास पहुंच के फायरिंग करना और इतनी सख्त सिक्योरिटी में जो गवर्नमेंट ने भी दे रखी है, इमरान खान की अपनी भी सिक्योरिटी है, उसके बावजूद अगर कोई इतना नजदीक पहुंच जाता है वो भी असलाह लेकर, तो ये चीज जरूर चेक करने वाली है कि अंदर से कौन लोग मिले हुए जिन्होंने उस आदमी को वहां तक आने दिया। वरना तो मीडिया पर्सन भी अगर जाना चाहें तो बहुत मुश्किल होती है कि इमरान खान के कंटेनर तक पहुंच सके, और ये चीज हम लोग देख चुके हैं। इसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लोगों से, बजाय इसके कि एस्टेब्लिशमेंट या गवर्नमेंट को कहने से पहले इमरान खान साहब को अपने इर्द गिर्द भी देखना पड़ेगा। और कोई भी शामिल हो सकता है, अभी किसी का भी नाम नहीं लिया जा सकता पूरे कॉन्फिडेंट होकर, लेकिन कोई भी हो सकता है। बिल्कुल आरजू, ये बहुत बड़ी बात आपने कही है। मैं सैयद अखुंदजादा का रुख करना चाहूंगी। सैयद, आपने बात सुनी आरजू की जो कह रही हैं कि इमरान खान के कंटेनर तक पहुंच जाना इतना आसान काम नहीं है, मीडिया को भी जाने की परमिशन इतनी इजीली नहीं मिलती है। हमने हमलावर का बयान भी सुनाया जिसमें वो कह रहा है कि मैं पिछले 6 दिनों से, जिस दिन से इस मार्च की शुरुआत हुई थी, हमला करना चाह रहा था, मैं इमरान खान की जान लेना चाह रहा था क्योंकि मुझे उनकी बात जमती नहीं है। थोड़ी देर पहले इमरान खान के नेता भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उन्होंने ये साफ किया कि ये साजिश किसी एक व्यक्ति की नहीं हो सकती, इसके पीछे कई लोगों का हाथ है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले तो मैं इस वाकये का पुरजोर मजम्मत करता हूँ और दुआ करता हूँ कि जो लोग इसमें जख्मी हुए अल्लाह ताला इन लोगों को सेहत अता फरमाए। जहां तक कंटेनर तक असलहे ले जाने का ताल्लुक है तो मेरे ख्याल से ये इतना मुश्किल नहीं है। हम खुद भी कई लॉन्ग मार्च किए हैं, अभी अभी हमने कराची से इस्लामाबाद तक एक लॉन्ग मार्च किया था और उसके हुजूम में हमारे गनमैन भी हमारे साथ चलते हैं, सेवल में भी जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं इनके साथ असलाह होते हैं वो भी चलते हैं। तो मेरे ख्याल में कंटेनर तक असलाह लेके जाना ये इतना जुलूस में इतना नामुमकिन काम नहीं है। लेकिन अगर हमें आइंदा के लिए इस तरह के वाकयात से बचना है
तो इस वाकये पे हमने जिम्मेदारी का सबूत देना है, हमने जिम्मेदाराना बयान देने हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारा एक गवर्नर को इस्लामाबाद में शहीद किया था, सलमान तासीर साहब को, और जो जिसने सलमान तासीर साहब को शहीद किया था उसको हमने इस्लामी और कौमी हीरो बनाया था इस कातिल को। और इस वक्त मुझे इस तरह बात नहीं करना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इमरान खान साहब उसको एक कौमी हीरो बनाने का और एक इस्लामी हीरो बनाने का सबसे पेश था। अगर इस टाइम पे हम सारे मिलके और जिम्मेदाराना बयानात देते और इसके मुजम्मत करते और इसको हीरो नहीं बनाते तो शायद इस तरह के वाकया जो आज हुआ ये नहीं होता। जब से ये लॉन्ग मार्च शुरू हुआ है, मौलाना फजल रहमान साहब का ने मार्च किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये खूनी मार्च है। हमने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक मार्च किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये खूनी मार्च है। ना एक गमला टूटा, ना एक दरख्त की शाख टूटी, न कोई जख्मी हुआ, न कोई किसी के पौधगी हुई। लेकिन जब से ये मार्च शुरू हुआ है इसमें सारा दिन वही बंदूकों का गोलियों की बात होती है। पेसलवाड़ा साहब का बयान आया कि ये एक खूनी मार्च है। इसके बाद जो है शेख रशीद साहब ने कहा कि अगर वो सीधी उंगली से ये नहीं निकली तो हम उंगली को टेढ़े कर देंगे। फिर वो उमर बंगश का बयान आया कि हम असलहा इकट्ठा कर रहे हैं। इस तरह की ठीक है सर, हमने आपकी बात समझी सर, हम लौटेंगे आपके पास सर, लौटेंगे। जरा आपको बता दें, हमलावर इमरान खान की जान लेने के मकसद से आया था, यह बात खुद उसने कही है। हम आपको उसकी बात सुनवाते हैं जिसने इमरान खान के कत्ल की साजिश का यह पूरा प्लान बनाया। ये सर मैंने इसलिए किया है कि ये लोगों को गुमराह कर रहा था इमरान खान, और मुझसे ये चीज देखी नहीं गई और मैंने इसको मार दिया। मारने की कोशिश की कि मैं इसको मारूंगा, सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को और किसी को नहीं। ये देख सकते हैं तरीके इंसाफ के, और हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं। इरशाद अहमद खान साहब भी हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद खान साहब, अब दो बातें, एक तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती हुई नजर आ रही है, जो तस्वीरें हमें मिल रही है अलग अलग शहरों की, आगजनी हो रही है, टायर जलाए जा रहे हैं, तोड़फोड़ हो रही है, और दूसरा अभी तक कई सारे लॉन्ग मार्च इस तरह के हुए हैं पाकिस्तान में, पर इस तरह की चीज, ये इरशाद चौधरी ने भी कहा कि यहां निशाना बनाया गया इमरान खान को। बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा, अभी अखुंदजादा साहब भी फरमा रहे थे, मैं तो पिछले एक हफ्ते से चीख चीख कर कह रहा हूँ कि ये आजादी मार्च नहीं बर्बादी मार्च है, और जिस दिन से ये चले हैं लाहौर से, देखें कितने लोग शहीद हो चुके। ये मैं, हम तो बार बार ये कह रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मुल्क में इंतशार ना फैलाए, लेकिन ये बहुत अफसोस है, इस वक्त पूरी कौम अफसरदा है, पूरा पाकिस्तानी लोग, पूरा पाकिस्तान के लोग जहां भी मुसलमान है सब अफसरदा है कि ये ठीक नहीं हुआ। लेकिन दूसरी बात यह है कि ये बार बार एक किस्म के इदारों पे इल्जाम लगाना, हुकूमत पे इल्जाम लगाना, ये भी कह रहे हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी से आपको खौफ है, कहीं ना कहीं डर है। आप सुन लें, आप मेरी बात को सुने प्लीज। तो मैं ये कह रहा हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, ये पंजाब सिंध बलूचिस्तान की हम बात नहीं करते, हम कहते हैं हमारे पाकिस्तान में ये वाकया हुआ है और ये वाकया ठीक नहीं है। लेकिन जहाँ हजारों लोग होते हैं, जहाँ सारे एक पार्टी के वर्कर्स हैं, उसमें कैसे आप मार कर सकते हैं कि ये दहशतगर्द है? तो वो लड़का तो बर्मला कह रहा था। बात यह है कि हर बार चैनल्स पे चला रहे हैं कि खुदा ना खास्ता इमरान खान साहब को गोली लगी, उनको गोली नहीं लगी, भगदड़ में सब लोग खौफजदा हुए। देखें 17 फुट 16 फुट 17 फुट का कंटेनर है, नीचे से खड़े होकर के सर, नीचे से खड़े होकर के गोली पांव में नहीं मार सकता। बात को कहा है कि उनके पैरों में गोली लगी है, पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से लगातार ये रिपोर्ट चलाई जा रही है। आप मेरी बात सुन लें बहन जी। बात यह है कि 16-17 फुट का कंटेनर है, नीचे खड़े होकर के, ये इसका लड़के का, ये जो दहशतगर्द है ये 5 फुट का लड़का नहीं है, ये 17 फुट ऊंचा उनकी पांव पे गोली कैसे मार सकता है? पहली बात तो ये है, जब इसने फायरिंग की सर, तस्वीरों को झुठला रहे हैं आप सर, और वो भगदड़ में उनके पांव पे चोट लगे, नई तस्वीरों को मैं कह रहा हूँ कि नीचे से गोली इसने चलाई है। वो तो खुद कह रहा है कि मैंने, ये अच्छा इंसान नहीं है, एक दहशतगर्द है, दहशतगर्द की सजा सिर्फ मौत होनी चाहिए, इसको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। हम इस वक्त ये कह रहे हैं कि हमें एक आरजू, देखिए इनको जवाब में चाहूंगा आप दें, क्या आपको लगता है कि उसको सजा देने से मामला खत्म हो जाता है? क्या आरजू इस शख्स को, इस ये जो हमलावर है इसको सजा देने से ये मामला खत्म हो जाता है? वो तो सवाल भी उठा रहे हैं इरशाद साहब, तो ये कह रहे हैं गोली लगी भी है नहीं लगी की बात कर आरजू।
नहीं मैं आपको मेरी बात पूरी सुनी नहीं आपने। सर इंडिया टीवी तस्वीरें भी दिखा रहा है, देख लीजिए जरा। आरजू जरा बोलिए। नहीं ये तो जख्मी हुए हैं ये लोग। जा रहा है कि गोली नहीं लगी है, भगदड़ में जो है इमरान खान साहब को चोट लगी है, ये अब न्यूज आई है दोबारा से। लेकिन ना किसी ने इस आदमी को भेजा होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि इसने अपने तौर पे ये सब कुछ किया है। इसके पास असला कहाँ से आया, इसने असला कहाँ से लिया, और कौन इसको भेज रहा है इतना कॉन्फिडेंट होके, ये कैसे कह रहा है कि इमरान खान को मारने आया था। तो ये इस किस्म की चीजें जो है इसके पीछे यकीनन कोई ना कोई मजबूत शख्सियत होगी। फरियाल एक मुझे एक देखे मतलब ये आप जो आरजू आप जो बात कर रही है ये ठीक नहीं कर रही है। इसका मतलब है आप पाकिस्तान में इंतजार फैलाने की बातें कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ एज ए नेशन इकट्ठे हो जाइए, और इस वक्त सियासत का वक्त नहीं है, इस वक्त मुत्तहिद होने का वक्त है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है, वो भी जुड़े हुए। एक बार मैं उनका भी रुख कर लेती हूँ। अली ताहिर, आपने सबको सुना कि किस तरह से एक दूसरे पर इल्जाम भी खूब लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये जो हमला है ये बहुत बड़ा सवाल, क्योंकि इमरान खान कोई छोटे मोटे शख्स नहीं है, वो पूर्व प्रधानमंत्री रहे उस देश के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल अस्सलाम वालेकुम आपको, तमाम हिंदुस्तान में देखने वाले लोगों को, और दुआएं मेरी हम लोगों के लिए जो इंजर हुए हैं इस अटैक के अंदर, कि वो एज सून एज मे बी अल्लाह ताला उनको शिफा अता फरमाए। अच्छा ये बात होने के बाद देखिए, अभी हम किसी फाइनल कल्मिनेशन की तरफ तो नहीं आ सकते, हम गिल्ट तो पिन पॉइंट नहीं कर सकते। अभी तो फिलहाल फैक्ट्स हमारे सामने आ रहे हैं, इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, उसमें पता लग जाएगा कि वेदर ये किसी के बहस पे एज अ एजेंसी ये वहां पर आकर इसने जो दहशत गर्दाना कार्रवाई की वो की, या फिर ये कोई लोन वुल्फ था। इसकी अभी इन्वेस्टिगेशन होना बाकी है। जब तक वो इन्वेस्टिगेशन नहीं हो जाती, ऑब्वियस सी बात है, तब तक कोई बड़ी सब्सटेंशियल बात, मैं सुन रहा था दोनों पार्टिसिपेंट्स को, एक कह रहे थे कि जी वो यूं हो गया है, अपना फैक्चुअल अकाउंट दे रहे थे, खातून जो है वो कंप्लीटली एक डिफरेंट फैक्चुअल अकाउंट दे रही थी। तो मैं तो अपने आप को इस वक्त इस पोजीशन में नहीं समझता कि फैक्चुअली बिल्कुल कंप्लीट अकाउंट दे सकूं। हाँ अलबत्ता ये जरूर है, ये एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है। अभी तक जो हमें पता लगा है उसके मुताबिक वो जो एक्यूज्ड है जिसने गोलियां चलाई थी वो पकड़ा जा चुका है, उसके ऊपर पाकिस्तान के एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 के तहत मुकदमा चलना चाहिए। दिस वाज अ टेररिस्ट एक्टिविटी, और उसके बाद एक कोर्ट ऑफ लॉ उसकी गिल्ट के ऊपर डिसाइड करेगी। मगर जो कुछ हुआ वो बड़ा अनफॉर्चुनेट हुआ, और अल्लाह का शुक्र है कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। अजीम आप कुछ कहना चाह रहे थे शायद। मैं कुछ कहना चाहता था। जी जी बोलिए। मैं काजमी साहिबा से ये अर्ज करना चाहता हूँ कि काजमी साहिब आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आज का स्नाइपर गन है, और जो लोग बेचते हैं वो किसी को मारने के लिए वो इस तरह के लोग नहीं होते। आप किसी और एंगल से बात करना चाहते हैं, वो लोग जब मारते हैं तो आपको भी पता है हमें भी पता है कि वो गोली टांग पे नहीं लगती, वो सीधा जाके सर में लगती है, और इसने बचना बहुत मुश्किल होता है। ये एक हादिसा हुआ है, और आपने वीडियो चलाया लेकिन अद्दा वीडियो नहीं चलाया कि वो जो कह रहे हैं कि मैंने ये काम क्यों किया, वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए किया कि ये अजान हो रहा था और ये लोग डेक चला रहे थे और ये लोग गाने चला रहे थे। तो ये एक माइंड सेट है, हमें इस माइंड सेट से लड़ना है। हमसे हिंदुस्तान ने भी सबक सीखना चाहिए कि जिसने भी ये माइंड सेट बनाया है उन्होंने इस रियासत को खाया है। अब वक्त आ चुका है कि हमने इस माइंड सेट के खिलाफ लड़ना है, और हमने इस मुल्क में जो पुरतशद्दुद सियासत है इसका खात्मा करना है, प्यार और मोहब्बत का सियासत लाना है, आईन और कानून के मुताबिक सियासत को राइज करना है, वरना आज एक के साथ होगा तो कल दूसरे के साथ होगा। फिर अगर एक बार आप इस तरह की सोच को परवान चढ़ाते हैं तो फिर वो किसी को भी नहीं बख्शते हैं। ये एक दौर था कि हमारे साथ ये वाकियात हो रहे थे पीपल्स पार्टी के साथ और अवामी नेशनल पार्टी के साथ, ये सारे बहले बजाते थे कि भाई बस चलो ये तो पता नहीं हम मुसलमान नहीं है, हम कैसे लोग हैं, हमारे साथ हो रहे। लेकिन अब देख ले कि हालात फिर कैसे हो गए, जब परवान चढ़ा दिया हमने इस चीज को, ना उलमा इकराम को बख्शा गया, ना असातिज़ा को बख्शा गया, ना डॉक्टर को बख्शा गया। तो इस चीज पे हमें सियासत नहीं करना ठीक चाहिए, सियासत नहीं करनी चाहिए, लेकिन सर फिर भी सियासत हो रही है। आरजू जिस तरह इशारा कर रहे हैं अखुंदजादा साहब, आपसे मैं जरा समझना चाहूंगा, उन्होंने कहा पूरा उसका जो क्लिप है वो नहीं दिखा, हमने पूरा क्लिप दिखाया था, उसमें एक बात उसने और कही उस हमलावर ने कि जोर जोर से वहां गाने बज रहे थे और उस वक्त अजान हो रही थी,
ये रीजन भी उसने दिया, लेकिन क्या आपको लगता है बस यही रीजन काफी था कि उसने खुलेआम वहां पर फायर किया? देखें ये तो हमेशा से होता आया है, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की रैली हो, लेकिन वहां पर म्यूजिक जो बयान दिया, जरा सुन लीजिए सर, तो वही बयान अखुनजादा साहब ने भी सुन लिया, हमने भी सुन, अखुनजादा साहब जरा सुन लीजिए, मजीद तफ्तीश का गुंजाइश है और मजीद तफ्तीश होना चाहिए। जी सर आरजू जी, बिल्कुल बिल्कुल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लेकिन मैं यही बात कर रही हूँ कि जितनी भी पॉलिटिकल रैलीज आजकल होती हैं पाकिस्तान में, सब में ही म्यूजिक चलाया जाता है और ऐसा बहुत कम होता है कि अजान हो रही है तो कोई म्यूजिक बंद करे। इतनी सी बात के ऊपर कोई गन लेकर आएगा और लीडर को मारने की कोशिश करेगा, मतलब ये बात कम अज कम मुझे तो समझ नहीं आती। हो सकता है कि जो बाकी लोग बैठे हैं वो शायद मुझसे ज्यादा समझते हो इस बात को, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता ये कि उसको वो गन भी मिल जाएगी, वो गन लेकर आगे जाएगा। चट्टान साहब, आज तक किसी इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट आया है? आप खुद बताइए, आप पीपल्स पार्टी के हैं, आप मुझे बताइए, पता लगता है इन चीजों में और इसमें? सर एक एक करके, एक एक करके सर, वो लगा आपको तो सर एक आदमी का हुलिया आप देखिए, मतलब वो गन ले आएगा और वो ला के इस तरीके से सिर्फ डाक चलाने पे, सिर्फ म्यूजिक चलाने पे जो है वो लीडर को मारने की कोशिश करेगा, तो म्यूजिक तो कब से चला रहे हैं इमरान खान, तो जब से पॉलिटिक्स में आया तो हमेशा यही रहा है। अर्जुन मैं आपके पास वापस आऊंगी। इरशाद जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने कहा कि हम पहले से ही कहते आ रहे थे कि ये खूनी मार्च है, कि ये खूनी रैली है, जब से लाहौर से इसकी शुरुआत हुई लगातार बहुत लोगों की शहादत हुई, लेकिन अगर कोई रैली करना चाह रहा है, कोई एक मार्च निकाल रहा है, तो क्या उसमें इस तरह की साजिश कर देनी चाहिए कि एक कोई छोटा मोटा शख्स नहीं, पूर्व प्रधानमंत्री उस देश का, उस पर जानलेवा हमला हो जाए? नहीं देखे, पहले तो मेरी बात को दुरुस्त कीजिए आप। मैं ये कह रहा हूं कि ये खूनी मार्च मैंने कभी नहीं कहा, मैंने कहा बर्बादी मार्च है। बर्बादी मार्च का मतलब ये है कि इसमें देखें नुकसान से नुकसान तर होता जा रहा है। आज हमारे इस्लामाबाद में एक रैली निकली हुई थी ताजरान की, कि उन्होंने क्यों, कि पूरा इस्लामाबाद स्टक हुआ है, पूरा पाकिस्तान स्टक हुआ है, लोग बड़े मजबूर हैं, कारोबार पहले नहीं है मुल्क में, हालात ठीक नहीं है हमारे। सर मरियम नवाज को हमने देखा इस तरह के मार्च उन्होंने बहुत किए हैं। आप मेरी बात सुन लें, हम सैलाब ज्यादा पूरा मुल्क है, लेकिन इस वक्त हमें एक, मैं तो बार बार आपके जितने भी चैनल हैं मैं ये कह रहा हूं कि ये वक्त ये नहीं कि हम एक दूसरे पे इल्जाम लगाएं, ये वक्त ये है कि हम मुत्तहिद हो जाएं एज ए कौम, एज ए पाकिस्तानी। इस वक्त ये नहीं देखना कि पीटीआई कौन है, नून कौन है, पीपल्स पार्टी कौन है। मैं ये कह रहा हूं कि हम पाकिस्तानी बने, और पाकिस्तानी बनने का सबूत यह है कि हम मुत्तहिद खड़े हो जाएं, ना कि जिस तरह अब ये हालात शुरू हो गए हैं पाकिस्तान में, जलाओ घराओ के कई जगह पर टायर जलाए जा रहे हैं, कहीं बसों को जलाया जा रहा है, ये खुदा ना खास्ता ये एक ऐसा इंतशार हमारे मुल्क में फैल जाए। तो हमें चाहिए ये, हमें जितने भी मेरे पैनलिस्ट बैठे हैं, जितने भी पाकिस्तानी भाई मेरे बैठे हैं, मैं उनको ये पैगाम देता हूं कि इस वक्त सिर्फ और सिर्फ हमें इकट्ठे होने। सर आपकी बातें बहुत अच्छी लग रही है सुनने में सर, लेकिन आप अगर सरकार आपकी है तो जिम्मेदारी, गवर्नमेंट आपकी है तो जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की आपकी बनती है, और अगर वो लॉन्ग मार्च निकाल रहे हैं तो उनको पूरा हक है उस मार्च को निकालने का। उनको बिल्कुल नहीं रोका गया जब से वो लाहौर से चले, उनको सिक्योरिटी भी मिल रही है उनको सबको, लेकिन जब हजारों लोग किसी मजमे में होते हैं, कोई अगर शरारती इंसान आ जाए उसके माथे पर तो नहीं लिखा हुआ कि ये गन लेकर के आया। आरजू इत्तेफाक रखती है जो बात आरजू इत्तेफाक रखती है आप जो बात इरशाद इरशाद साहब कह रहे हैं इसमें बिल्कुल इत्तेफाक करेंगे मेरे साथ सब लोग। चलिए सर सुन लेते हैं आरजू, आरजू पर नहीं लिखा हुआ था आरजू, अब वो बाढ़ याद दिला रहे हैं, जो फ्लड सिचुएशन बनी उसकी याद दिला रहे हैं, अब वो कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर हाथ में ना ले लोग, ये सही वक्त नहीं है। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ, अपने मुल्क के लिए, अपने कौम के लिए, और सिक्योरिटी गवर्नमेंट ने भी दी है, खान साहब की अपनी भी सिक्योरिटी मौजूद है। जैसा मैंने पहले भी कहा कि मीडिया को भी कंटेनर तक पहुंचने में मुश्किल होती है, हमारी एक साथी जो है वो उसी में आप देखा होगा कि उनकी डेथ भी हुई 30 तारीख को जी। तो इस तरह के हालात में जो है एक आदमी गन लेके पहुंच जाता है और किसी को पता नहीं लगता, तो कहीं ना कहीं तो कोई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो चेक करनी चाहिए, और फौरन ये कह देना कि नहीं। आरजू इरशाद साहब तो टाइमिंग को लेके सवाल उठा रहे हैं कि ये सही वक्त नहीं है लॉन्ग मार्च निकालने का, फ्लड की सिचुएशन है, देश किस हालत से गुजर रहा है, यहाँ एक होने की जरूरत है। बातें सुनने में अच्छी लग रही है, लेकिन क्या उनकी इस बात से सच कह रहा हूँ?
ठीक है आरजू जवाब दीजिए। देखिए ये बात तो हमेशा से रही है कि जब गवर्नमेंट के ऊपर कोई तरह का प्रेशर आता है तो फिर यही बात करते हैं कि फ्लड वालों को देख लेना चाहिए, कभी अर्थक्वेक देख लेना चाहिए, कभी कुछ। लेकिन बहरहाल अपोजिशन की अपनी एक स्ट्रेटेजी होती है, उनकी अपनी एक मर्जी होती है और वो प्रोटेस्ट करना चाह रहे। मैं सपोर्ट नहीं कर रही किसी को भी, लेकिन बहरहाल उनका राइट है कि वो कब आना चाहते हैं। आरजू मुझे सुनिए आप, मैं सर जल्दी अपनी बात की बात कर रहा हूँ ना, हुकूमत की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तानी होने की, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, मैं पाकिस्तान की आवाम की बात कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान के इदारों की बात कर रहा हूँ। मैं हुकूमत नहीं हूँ, इसलिए हम अफसरदा हैं, हम अफसरदा जिस तरह की बातें सर आप कह रहे हैं कि सबको एकजुट हो जाना चाहिए, तो आपको भी एक मैसेज वहां के लोगों को जरूर देना चाहिए कि जो भी इस वक्त पाकिस्तान की सड़कों में प्रदर्शन हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। जो स्थिति वहां पर बनी हुई है, चूंकि आपकी सरकार है तो फिर स्थिति आपको भी संभाल लेना चाहिए, जिम्मेदारी उतनी आपकी भी बन जाती है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।